हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 26 जनवरी पे एक शानदार स्पीच, एक जबरदस्त स्पीच। सबसे पहले तो हम आपको भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे देते हैं और याद कर लेते हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस दिन के लिए कुर्बानी दी, भारत को आज़ादी दिलवाई। फिर भारत का खुद का संविधान है वो लागू हुआ, और ये संविधान लागू होने वाले दिन को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में पुकारते हैं। तो आज इस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पर 26 जनवरी स्पीच। तो जो स्पीच है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 26 जनवरी स्पीच। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। तो ये एक छोटा सा इतिहास था संविधान लिखने से रिलेटेड। 26 जनवरी की हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक सेवा के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सकें। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी थी। बहुत लंबी लिस्ट है सभी की। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव में अपने राष्ट्र में मुक्त होकर जी सकते हैं, रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और जो जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वे हैं माता पिता और एक गुरु।
भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आगे इस भाषण को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार उन शहीदों को दोबारा याद कर लेता हूँ जिन्होंने ये कुर्बानी दी। ये भाषण कंटिन्यू चलता रहेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कृति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में पुरुष जवान हैरत अंगेज स्टंट दिखाते हैं, लेकिन इस बार महिलाएं भी स्टंट दिखाएंगी। सीमा भवानी नाम से इस दल की महिलाएं इस बार हैरत अंगेज स्टंट जैसे पिरामिड, फिश राइडिंग, शक्तिमान, बुल फाइटिंग, सीमा प्रहरी और अन्य हैरत अंगेज करतब दिखाने की तैयारी में हैं और ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। इसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि समाज में महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। तो हम आशा करते हैं कि हम सभी निष्ठा से अपने देश की सेवा करेंगे और देश के लिए अपना सर्वोच्च त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये इसकी पीडीएफ फाइल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से इसकी पीडीएफ फाइल को मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।